सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 11 चतुर बंदर की कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी दो बिल्लियों की है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। उन्हें एक रोटी मिलता है। रोटी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा का कारण यह है कि रोटी एक और बिल्लियां दो। वह अपनी समस्या को लेकर बंदर के पास जाती है और बंदर उनकी समस्या को सुनकर उन्हें तराजू लाने को भेजता है। तभी बंदर को एक तरकीब सूझती है। वह रोटी के 2 टुकड़े कर तराजू में डालता है। तराजू को नापते समय कोई पलरा भारी हो जाता तो बंदर उसे उस पलरे में से रोटी निकालकर खा जाता। इस तरह करके धीरे धीरे वह रोटी खाता गया और बाद में सारी रोटियां चट कर गया। बेचारी बिल्लियां मुंह ताकती रह गई। अब इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। रोटी को बराबर बराबर बांटते समय उनमें झगड़ा हो गया। बात नहीं बनी तो दोनों अपनी समस्या लेकर एक बंदर के पास पहुंची। उन्होंने बंदर को सारी बात बताकर उससे न्याय करने के लिए कहा। दोनों की बात सुनकर बंदर एक तराजू लाया और रोटी के दोनों टुकड़े एक एक पलरे में रख दिए। रोटी तोलते समय जो पलरा भारी हो जाता उस तरफ से थोड़ी सी रोटी तोड़कर बंदर अपने मुंह में डाल लेता। जब दूसरी तरफ का पलरा भारी हो जाता तो बंदर उस पलरे से रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। इस तरह कभी एक पलरे से तो कभी दूसरे पलरे से रोटी तोड़ तोड़कर बंदर चट करता रहा। दोनों बिल्लियां चुपचाप बंदर का फैसला जानने का इंतजार कर रही थी। परंतु जब बिल्लियों ने देखा कि रोटी के 2 टुकड़े बहुत छोटे रह गए हैं तो वे बंदर की चालाकी समझ गई और बोली, आप चिंता ना करें, हम अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। यह सुनकर बंदर बोला, जैसा आप ठीक समझे, परंतु मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने बाकी बचे हुए रोटी के 2 टुकड़े भी अपने मुंह में भर लिए और दोनों बिल्लियां बंदर का मुंह ताकती रह गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह चतुर बंदर वाली कहानी अच्छी लगी होगी।